हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है सहबाज। आप देख रहे हैं स्मार्ट एयर कूल सिस्टम। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग वोल्टास कंपनी का 320 लीटर का डीप फ्रीज़र चेक किए हैं, जिसमें कंप्रेसर डेड निकला है। तो उसका कंप्रेसर हम लोग चेंज कर दिए हैं। कंप्रेसर चेंज करने अगर आपको नहीं आता तो उसका मैं वीडियो बनाया हुआ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आज हम लोग इसका गैस चार्जिंग का वीडियो बना रहा हूँ मैं। आज गैस चार्जिंग कैसे किया जाता है प्रॉपर तरीका से, उसका वीडियो बना रहा हूँ। तो ये वोल्टास का 320 लीटर का डीप फ्रीज़ है। इसका कंप्रेसर जल गया था। कंप्रेसर जलने का रीज़न था कि ये 270 वोल्टेज में रन किया, कम से कम 15-20 दिन चला है। यहाँ पे पावर का प्रॉब्लम हो गया था, जिसके कारण कंप्रेसर डेड हो गया, इसका हाई एम्पियर हो गया है 270 के कारण। तो इसका आज हम लोग कंप्रेसर चेंज कर दिए। ये वोल्टास का ओरिजिनल कंप्रेसर था जो हम लोग चेंज कर चुके हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वोल्टास का कंप्रेसर जो हम लोग चेंज किए है। 80GL लगा हुआ था, 80GL चेंज करके फिर से 80GL लगा दिए हैं। पाइप सेम आपको वेल्डिंग करना है, जिस तरह पाइप होता है सेक्शन क्वार्टर, आपका जो डिस्चार्ज है उस डिस्चार्ज और सेक्शन है उस सेक्शन चार्जिंग निपल लगा देना है। एक चीज़ का ध्यान रखिए फ्रेंड, कभी भी अगर आप डिफ्रीजर का अगर गैस चार्जिंग या कंप्रेसर चेंज करते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ड्रायर फिल्टर जो है वो हमेशा चेंज किया कीजिए। क्योंकि जब मेरे हिसाब से जब भी गैस चार्जिंग हो, उस समय आपको एक्सटर्नल फिल्टर चेंज करना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या है कि आपको चॉकिंग का बीमारी नहीं मिलेगा। नहीं तो बहुत सा कोई क्या होता है, चॉकिंग की बीमारी में फंस जाते हैं, और जब फंसते हैं तो बढ़िया से फंसते हैं, बहुत देरी तक फंस जाते हैं। तो इसका सबसे अच्छा उपाय है, जब भी गैस चार्जिंग करें स्टैंडर्ड फिल्टर चेंज करें। कौन सा स्टैंडर्ड फिल्टर लगाना है फ्रेंड, आपको मैं बता देता हूँ। सिलिका जेल वाला स्टैंडर्ड फिल्टर लगाना है। जैसे कि पहले भी सिलिका जेल का स्टैंडर्ड फिल्टर लगाया हुआ था, इसके अंदर गोल गोल रहता है सिलिका जेल जो मॉइस्चर को घिंचता है, यही सिलिका जेल वाला आपको स्टैंडर्ड फिल्टर लगाना है। जैसे ये इसमें लगा हुआ था, इसको हमने चेंज किए हैं। आपका ये इसमें भी सिलिका जेल का स्टैंडर्ड फिल्टर लगा दिए हैं। सब पूरा फायरिंग हम लोग आज पूरा सब कुछ कंप्लीट हो गया, ब्लीजिंग ब्लीजिंग करके रेडी है। अभी करीब ये 15 मिनट से वैक्यूम में लगा हुआ है। इसे हम लोग 20 मिनट वैक्यूम करेंगे। 20-25 मिनट वैक्यूम करने के बाद इस पर हम लोग गैस डालेंगे। गैस डालने का क्या तरीका है मैं आपको बताऊँगा। गैस डालने का तरीका क्या है, कैसे गैस डाला जाता है, प्रॉपर तरीका मैं आपको बता दूँगा। तब तक के लिए वैक्यूम होने दीजिए फ्रेंड। वैक्यूम के बाद में फिर से आपको बताता हूँ। जैसा कि वैक्यूम हो गया है फ्रेंड, करीब आधा घंटा हम लोग इसको वैक्यूम किए हैं। अब वैक्यूम करने के बाद 10 मिनट छोड़ भी दिए हैं, तो ये वैक्यूम इसका टूटा नहीं है। अगर वैक्यूम टूट जाता है या वैक्यूम टूटने के बाद होता क्या, लीकेज रहेगा तो वैक्यूम टूट जाएगा। तो कभी भी ये वैक्यूम करने के बाद 10-15 मिनट वैक्यूम करके चेक कर लिया जाए कि अगर वैक्यूम टूटता है तो इसके अंदर लीकेज है आपके सिस्टम में। अगर वैक्यूम नहीं टूटता है 10-15-20 मिनट में, तो मशीन में आपका ब्लीजिंग सही हुआ है। तो अब हम लोग इसे गैस डालेंगे। गैस डालने का प्रोसेस है, आपको मालूम है, R134 फ्लोरोन डालना है। 134 इसमें लगता है। तो जब आप गैस डाल रहे हैं तो एक चीज़ याद रखिएगा फ्रेंड, कि जब यहाँ से हम लोग इसको पाइप को टाइट करते हैं, तो इस पाइप में अभी भी एयर है, तो ये एयर को उड़ाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से आपको गैस खोलना है, और यहाँ पे से आपको लूज करके थोड़ा सा गैस को उड़ाना है। यहाँ एयर आएगा, उसके बाद थोड़ा सा गैस आने लगेगा। यहाँ से एयर पूरा उड़ गया, अब इसमें बस कहीं पे एयर रहा नहीं। अब क्या है, हम लोग धीरे धीरे इसमें गैस छोड़ना है। अब इसमें धीरे धीरे गैस छोड़ेंगे, गैस को जाने देंगे धीरे धीरे। स्टैंडिंग प्रेशर आपको 80 रखना है, कम से कम 70-80 स्टैंडिंग प्रेशर आपका रुका हुआ में 70-80 बताना चाहिए। 70-80 जाने दीजिए आराम से। जैसे कि अभी 60 चल गया था, अब हम लोग इसे 60 में रन करके देखते हैं मशीन को। अब मशीन में हम लोग पावर ऑन करेंगे। पावर ऑन कर दिए तो मशीन को हम लोग ऑन कर दिए हैं। मशीन ऑन करने के बाद आपको चेक करना है कि आपका डिस्चार्ज लाइन प्रॉपर हीट हो रहा है कि नहीं। डिस्चार्ज लाइन प्रॉपर हीट होना चाहिए। अगर आप गैस डाल दिए या डिस्चार्ज लाइन हीट नहीं हो रहा है, तो भी प्रॉब्लम हो सकता है आपका मशीन में। अगर मान लीजिए आप कंप्रेसर चेंज नहीं किए हैं, और पुराना मशीन में अगर आप कंप्रेसर में गैस डाल रहे हैं, डिस्चार्ज उतना हीट नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि इसका पंपिंग लेस हो। इसीलिए डिस्चार्ज हीट होना चाहिए, जैसा कि इसका डिस्चार्ज पूरा हीट है। कंडेंसर हीट होना चाहिए, इसका कंडेंसर भी हीट है। आपका ड्रायर फिल्टर जो है, ड्रायर फिल्टर भी हीट होना चाहिए, जो कि अभी नॉर्मल है, क्योंकि इसमें हम लोग गैस पूरा डाले नहीं है, गैस थोड़ा कम है अभी। आप देख सकते हैं ये वैक्यूम में गया नहीं है, एकदम जीरो है। 10 रहना चाहिए,
बट 10 अभी इसको हम लोग करेंगे नहीं फ्रेंड, क्योंकि कम से कम 2-4 मिनट चलने देना है। 2-4 मिनट चलता है उसके बाद ही बैक प्रेशर परफेक्ट बताता है और अंदर का टेम्परेचर मतलब अंदर का कूलिंग आपको बताएगा। अगर आप फर्स्ट में ही 10 डाल दीजिएगा, अगर फ्रिज की तरह 10 डाल के हम लोग चला देंगे तो होता क्या है कि थोड़ा देर बाद बढ़ भी जाता है, बैक प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि जब कंडेंसर हीट होगा, कंप्रेसर हीट होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, इसका प्रेशर बढ़ेगा तो बैक प्रेशर भी आपका बढ़ जाएगा। इसलिए मशीन को आप अगर स्टैंडिंग में आप इसको 60-70-80 गैस डाल दीजिए, मशीन को रन कर दीजिए 5 मिनट, मशीन को रन कर दीजिए 5 मिनट, चल जाएगा पूरा प्रॉपर तरीका से। 5 से 10 मिनट में अगर आपका मशीन चौक नहीं करता है, अगर आपको लगा 5 से 10 मिनट ठीक चला है मशीन, तो उसके बाद 5 से 10 मिनट चलने के बाद आप इसको इसका जो बैक प्रेशर रहता है वो आप उसको रख सकते हैं। अभी हम इसे 5 मिनट 10 मिनट चलने देंगे, उसके बाद इसका बैक प्रेशर हम लोग 10 करेंगे। जैसा कि अंदर स्टार्ट हो गया होगा, आपको दिख रहा होगा एक लाइन आ गया है, अंदर में स्टार्टिंग कूलिंग स्टार्ट हो गया है, पर हम लोग इसको अभी 5-10 मिनट चलने देंगे। चलने के बाद इसका गैस को हम लोग परफेक्ट करेंगे। और एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड, कभी भी डीप फ्रीजर में गैस चार्जिंग करो या कंप्रेसर चेंज करो तो डीप फ्रीजर में कभी भी सामान नहीं होना चाहिए, खाली होना चाहिए। डीप फ्रीजर में सामान होगा आपका अंदर का टेम्परेचर बहुत देर से बनेगा, जिसके कारण आपको परफेक्ट बैक प्रेशर नहीं मिलेगा, परफेक्ट कूलिंग आप वहाँ पे देख नहीं पाइएगा, तुरंत नहीं देख पाइएगा। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा खाली में कंप्रेसर, खाली में डीप फ्रीज खाली होना चाहिए, उसके बाद गैस डालिए, 10 मिनट चलाइए, स्टैंडिंग प्रेशर में गैस डालिए, रनिंग करके तुरंत गैस नहीं डालना है, पहले गैस डाल दीजिए, 50 डाल के 60 डाल के थोड़ा देर छोड़ दीजिए, उसके बाद चालू कीजिए मशीन को, मशीन चालू करने के बाद 10 मिनट चलाइए, 10 मिनट चलाने के बाद ही गैस डालिए। देखिए जीरो में था, जीरो से थोड़ा सा काटा बढ़ गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं जीरो में था, जीरो से थोड़ा सा काटा बढ़ा है। तो क्या है कि कंप्रेसर और कंडेंसर हीट हुआ, अंदर का टेम्परेचर बढ़ा तो बैक प्रेशर बढ़ गया, जैसा कि आपको देख सकते हैं जीरो से थोड़ा है। तो अभी हम लोग इसको क्या है, इसको 10 कर देते हैं, क्योंकि 10 मिनट चला लिए हम लोग करीब इसको। अब इसको हम लोग करेंगे करीब, आपका थोड़ा सा बैक प्रेशर बढ़ाएंगे इसको, अभी हम लोग 5 कलम से करते हैं। और एक चीज़ नोटिस कीजिएगा फ्रेंड कि लिक्विड ही डालें, R34 का जो है 134 का, कोशिश कीजिए लिक्विड जाए, एयर नहीं जाए, थोड़ा सा एयर रहता है तो एयर जाने से कूलिंग वैसा परफेक्ट नहीं आता है। थोड़ा सा गैस बचाने के चलते हम लोग लिक्विड की जगह वेपर डाल देते हैं। देखिए 10 से थोड़ा कम है, अब इसे हम लोग 10 पे कर दिए हैं, 10 से थोड़ा सा कम है, 9 है जैसा आपको दिख रहा है, 9 है। अभी से हम लोग 9 पे चलने देंगे थोड़ा देर, उसके बाद में आपको 10 मिनट के बाद में आपको डिफ्रीजर का अंदर का दिखाता हूँ कि बैक प्रेशर 9 रखने के बाद आपका अंदर कितना आता है, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड 10 मिनट चलाया हूँ, जैसा कि 5 मिनट चलाने के बाद आप देख सकते हो ऑटोमेटिक इसका बैक प्रेशर जो है वो 10 के करीब आ गया है, 9 है इसमें ऑटोमेटिक आपका आ गया है। जब कंप्रेसर का कंडेंसर हीट हुआ तो ऑटोमेटिक बैक प्रेशर बढ़ गया है। मैं अंदर का आपको दिखा देता हूँ, अंदर में आप देख सकते हैं यहाँ तक आपका आना स्टार्ट हो गया है, फ्रीज़र है तो थोड़ा सा लेट से ही आएगा, यहाँ तक आपका कूलिंग आ गया है। इसे अगर 1 घंटा हम लोग रन करते हैं तो ये पूरा नीचे तक आ जाएगा। तो फ्रेंड आप समझ ही गए होंगे कैसे गैस चार्जिंग करना है। फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड।